हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्राम ऑलराउंड यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है और इसके सिंटैक्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से देखें तो क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो डेफिनेशन हमने क्या समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में। जैसे सपोज कि एक यूज़र है, ठीक है, और एक कंप्यूटर है। अब यूज़र को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो कंप्यूटर को देना है, या फिर कोई कह सकते हो कि आप कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़र को देना है, टास्क देने हैं परफॉर्म करने के लिए। तो वो डायरेक्टली कैसे देगा, क्योंकि यूज़र की लैंग्वेज अलग होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है। हमें पता है कि कंप्यूटर जो समझता है वो क्या समझता है, मशीन कोड समझता है। ठीक है, तो और यूज़र जो होता है वो क्या समझता है, वो उसकी जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। यूज़र लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो यूज़र को क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, तो वो डायरेक्टली कैसे देगा, डायरेक्टली तो दे नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ये हम बता देते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है। जो यूज़र के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यूज़र के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, कन्वर्ट करती है किसमें, मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। किसमें कन्वर्ट करती है, मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। और क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है किसको, कंप्यूटर को। ठीक है, यूज़र के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को के इंस्ट्रक्शंस को पहले क्या करती है, कन्वर्ट करती है किसमें, मशीन कोड में, और कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, क्या करती है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मैंने बताया जैसे डेफिनेशन आप देखोगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है मशीन कोड में और कंप्यूटर को दे देती है। ठीक, अब कन्वर्ट करके उसने एज एन इनपुट कंप्यूटर को दे तो दिया, और उसके बाद जब कंप्यूटर उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा, टास्क परफॉर्म कर लेगा, देन उसके बाद उसी को फिर से वो ट्रांसफ़र कर देगी हाई लेवल लैंग्वेज में। किसमें ट्रांसफ़र कर देगी, हाई लेवल लैंग्वेज में, और यूज़र को आउटपुट दे देगी। तो ये काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, समझ में आया, तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है, तो पाइथन एक इज़ एन, रेफरेंसेस देखते हैं तो डेफिनेशन क्या है इसकी, पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इंटरप्रेटेड क्या है, हाई लेवल क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है, इसको हम देखते हैं, रुकिए, ट्रांसलेटर होता है जो कि क्या करता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे सपोज कि ये क्या है, ये एक सोर्स कोड है, क्या है, यूज़र का सोर्स कोड है। ठीक है, उसको क्या, और एक ये क्या है, यहाँ पे क्या है, एक इंटरप्रेटर है। ठीक है, सोर्स कोड है और ये क्या है, इंटरप्रेटर है। ठीक है, अब इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड जो कि यूज़र कोड, प्रोग्राम कोड कह सकते हो उसको, आप क्या कह सकते हो, प्रोग्राम कोड को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है किस कोड में, मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है। इंटरप्रेटर का वर्क यही है कि जो
मैंने बताया ना कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब बात कर लो कि प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड मतलब कि यूज़र कोड कह सकते हो आप, और इस यूज़र कोड मतलब कि किस फॉर्म में, हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में होगा वो, ठीक है। यूज़र का कोड होगा वो क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में होगा, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करेगा किस में, मशीन कोड में, या फिर कह सकते हो कि किसी में किस में कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, ठीक है, कन्वर्ट करेगा किस में, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो यही काम होता है इंटरप्रेटर का, क्या करता है वो मशीन कोड, सॉरी सोर्स कोड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, कन्वर्ट करता है। तो ये इस यही काम होता है इंटरप्रेटर का, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का यही काम होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का या फिर ट्रांसलेट करने का काम होता है, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हुआ कि यूज़र लैंग्वेज, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो यूज़र अंडरस्टैंड कर सके वो लैंग्वेज, यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ठीक है। यूज़र अंडरस्टैंडेबल का मतलब हो कि यूज़र, जो यूज़र अंडरस्टैंड कर सके। तो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हम कह सकते हैं कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो यूज़र समझ सके वो लैंग्वेज है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हुआ कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें आप ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, क्लासेस में ऑब्जेक्ट को कॉल कैसे कराते हो, ये सब आप पढ़ोगे किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ोगे, ठीक है। अब इसमें इसको हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे किसमें, ऊप्स कंसेप्ट में हम डिटेल में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, पूरे ऊप्स कंसेप्ट में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे जो पाइथन है उसको डेवलप किसने किया था ये देखते हैं। पाइथन को डेवलप किया था गुइडो वैन रॉसम ने, ठीक है। गुइडो वैन रॉसम कौन थे, एक डेवलपर थे जिन्होंने पाइथन को डेवलप किया था इन 1991 में, कब किया था, इन 1991 में पाइथन को डेवलप किया था, ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि पाइथन क्या है, एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। क्यों है ये भी समझ लेते हैं कि पॉपुलर प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसके कोड जो है बहुत ही ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, बहुत ही ईजी, शॉर्ट कोड कह सकते हो आप, इसके कोड बहुत शॉर्ट होते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत ये वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके आप देख आप बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स में देखिए हमने क्या किया, सिंटैक्स में जैसे एक प्रिंट फंक्शन है और हमने क्या किया, एक प्रिंट किया है क्या, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो हमने क्या किया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने एक मैसेज प्रिंट किया है यूजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट क्या होता है, प्रिंट हमारा एक फंक्शन होता है जो कि क्या कहता है, कुछ स्टेटमेंट्स को या फिर एक्सप्रेशंस को प्रिंट करने के काम आता है, ठीक है। और ये मैंने क्या, कुछ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस को प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होती है, ठीक है। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल या एक्स, इसमें दे दिया 5, एक वाई ले लिया जिसमें दे दिया 6, और मैंने क्या किया, इन दोनों को प्रिंट, इन दोनों का सम प्रिंट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई दोनों का सम प्रिंट कर दिया। तो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब हुआ कि आपको इसमें कोई डेटा टाइप डिफाइन करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप सी में पढ़े हो, सी प्लस प्लस में पढ़ते हो, कि आपको क्या करना होता है, डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। लाइक जैसे आपने इंटीजर डेटा टाइप दिया तो INT डेटा टाइप आपको डिफाइन करना पड़ता है इंट नाम से, और कैरेक्टर ले रहे हो तो कैर नाम से आपको डिफाइन करना पड़ता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में आप डायरेक्टली क्या करते हो, वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। और
जो वैल्यू होती है उसी से क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि जो वेरिएबल ने वैल्यू स्टोर की है ठीक है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वो किस डेटा टाइप की है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है, इसीलिए इसको हम डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप रन करा सकते हो पाइथन को, वो है विंडोज़ पे करा सकते हो, मैक में करा सकते हो, लिनक्स में करा सकते हो। ठीक है, अब मेजर वर्जन की बात कर ले तो मेजर वर्जन जो होता है पाइथन का वो कौन सा है, पाइथन 3, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे बात करेंगे, जिसे अभी अभी हम आगे कोड जो बताएंगे वो इसी में ही इसी वर्जन पे ही बताएंगे। ठीक है, पाइथन 3 पे ही बताएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी यूजेस की, इसका यूजेस यूज़ कहाँ कहाँ पे आप करते हो। ठीक है, अब इसको आप जब पाइथन सीख लेते हो इसको आप यूज़ आप वेब एप्लीकेशन में कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट में कर सकते हो, और डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में भी करते हो। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेज़ हैं कि इसका आप यूज़ क्या कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। अच्छा, हमने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, ये वर्क कैसे करती है, और आगे हमने देखा कि पाइथन क्या होता है, इसको डेवलप किसने किया था, और इसके सिंटैक्स के बारे में हमने देखा कि सिंटैक्स क्या होता है, और इसके यूजेस के बारे में हमने आज पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो मैंने अभी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।